कोटिंग कराने जा रहे हैं कि जो शायद इंडिया में कहीं नहीं होती है कोटिंग। ये शीशा नहीं है जिसमें गाड़ी है, दिस इज द पॉलिश। और ऐसा नहीं है कि आपने मुझे मतलब पैसे दिए हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ OTR एडवेंचर क्लब में। यहाँ पे हम एक कोटिंग कराने जा रहे हैं कि जो शायद इंडिया में कहीं नहीं होती है कोटिंग, क्योंकि ये क्या पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अभी आप देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी है, कल ही जैसे मैंने की गाड़ी ली है। और ब्लैक कलर तो आपको पता ही है यार, माशाल्लाह खड़ी खड़ी भी 2 मिनट लगते हैं सिर्फ गंदी होने में। और ये इनका सेटअप है, दिस इज़ द डिटेलिंग स्टूडियो वीकेंड से। और जो ये कोटिंग है उसको ये कहते हैं इट्स अ टेम्पर्ड ग्लास। आगे का प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा। ये अपना बलियावास में है और यहाँ पे दे आर स्टार्टिंग विद दिस एडवेंचर क्लब ऑल्सो, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए है। गाइज दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डिटेलिंग और वी कैन से डायमंड हार्ड कोटिंग, जो कि मैं अपनी गाड़ी पे अप्लाई कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये वॉश कर रहे हैं, जितना भी डर्ट है इसका, जितनी भी धूल है आप देख सकते हो, ये सारी निकाल देंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। एलॉयज तो वैसे यार लग तो सेक्सी रहे हैं, यू कैन सी गाइज। गाइज ये क्लीनिंग के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो आप, ये सेकंड प्रोसेस है, क्लीनिंग करी है, पहले वॉश हुई है गाड़ी अच्छे से, उसकी सारी डर्ट निकाली गई है, डस्ट निकाली गई है। मैं सर से पूछना चाहूँगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और ये किस लिए ज़रूरी है। एक्चुअली ये जो आपकी गाड़ी है जब शोरूम से भी आती है ना, उस पर हल्का फुल्का जब वो कपड़ा मारते हैं तो ये स्वेल मार्क्स आ जाते हैं गाड़ी पे, क्योंकि जब वहाँ से निकलती है बहुत बार ऐसे होते हैं। तो हम लोग ये हल्का सा, क्योंकि नई गाड़ी है तो एक हल्का सा राउंड इस पर रबिंग का लगा रहे हैं, ताकि जो भी छोटे मोटे को स्वेल मार्क्स कपड़े के निशान होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। अभी इसका एक ही राउंड लगाएंगे, अगर कोई पुरानी गाड़ी होती है तो ये 2-3 राउंड चलती है। गाइस आप देख सकते हो, ये इसको हम कहेंगे कि ये थर्ड प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में इन्होंने पूरी गाड़ी क्लीन करी थी, डस्ट हटाई थी, उसकी जो भी डर्ट थी पानी से हटाई थी। दूसरे प्रोसेस में इन्होंने कंपाउंडिंग करी थी, और तीसरा प्रोसेस जो कंपाउंडिंग पॉलिश थी उसको ये दोबारा, या वैक्स कह सकते हैं हम, उसको दोबारा ये रिमूव कर रहे हैं पानी से। इसके बाद की जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज पे ये एक पॉलिश इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे की फोर्थ स्टेज क्या होगी इसकी डायमंड हार्ड कोटिंग की। गाइस सो वीडियो में बने रहें फाइनल रिजल्ट के लिए। गाइस ये फोर्थ प्रोसेस है, जैसा कि फर्स्ट प्रोसेस में क्लीन किया, सेकंड में कंपाउंडिंग करी, फिर क्लीन किया, अब ये फोर्थ प्रोसेस हो रहा है। सर ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंपनी से जो गाड़ी आती है छोटे छोटे जो होते हैं ना माइनर कपड़े के निशान, हाँ वो मिटा रहे हैं। ओके सो गाइस दिस इज द फोर्थ स्टेप, बाकी गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द फाइनल लुक गाइस। सो गाइस ये IP अभी लगा रहे हैं, जो कि एक तरीके का डस्ट प्रूफ मटेरियल है, जो कि डस्ट से आपकी गाड़ी को बचाएगा और वो चिपकने नहीं देगा इसको। तो इसको कह सकते हैं हम कि ये एक सेकंड लास्ट प्रोसेस होने जा रहा है। इसके बाद लास्ट जो हम कह सकते हैं चेरी ऑफ द केक होता है, जिसके लिए ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो कि इंडिया में सिर्फ डिटेलिंग डॉक्टर्स के पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है डायमंड हार्ड कोटिंग, इसके बाद वो अप्लाई की जाएगी। दैट वाज द लास्ट प्रोसेस गाइस। जिस कोटिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा था ये है वो GOT, आप देख सकते हो डायमंड हार्ड कोटिंग, पेटेंटेड प्रोडक्ट बाय गैंग्स ऑफ थार्स एंड डन बाय डिटेलिंग डॉक्टर्स। तो भैया यही है ना कोटिंग? जी सर। तो आप समझ सकते हो यही अब फाइनल स्टेज हो रही है गाड़ी पे, ये पूरी गाड़ी पे अप्लाई करी जाएगी कोटिंग। इसमें कितना टाइम लगेगा भैया? पौना घंटा लगेगा, आधे से पौना घंटा आराम से लग जाएगा गाइस इसमें। तो फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी ही ये इतनी चमक रही है गाड़ी, और इस कोटिंग के बाद कैसी लगेगी। सो गेट रेडी, बी योर सेल्फ रेडी, तैयार रहो डायमंड हार्ड कोटिंग के लिए, कि फाइनल लुक अप्लाई होने के बाद गाड़ी कितनी चमकती है गाइस। दिस इज़ द पॉलिश, दिस इज़ द प्रोडक्ट, गैंग्स ऑफ थार प्रीमियम प्रोडक्ट, डायमंड हार्ड ग्लॉस इफेक्ट। 30 ml की ये बॉटल है,
इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, क्रिएट साइज, स्टनिंग रिफ्लेक्शन, इजी एप्लीकेशन, सुपर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटीड रिजल्ट्स। देख सकते हो आप, इसको पॉज करके देख सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। हाय गाइस, सो ये हैं अमरजीत सर, इनकी ब्रांड है डिटेलिंग डॉक्टर्स, जो कि आप पीछे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक स्पेशल पर्पज़ से आया हूँ, जैसे कि आज डिलीवरी लिए हुए दूसरा ही दिन है, कल मैंने डिलीवरी ली थी 12 तारीख को और आज 13 मई है, सैटरडे का दिन है। सो गाइस, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, क्योंकि जब इतनी महंगी कोई भी गाड़ी लेता है 25-30 लाख की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना, और स्पेशली अगर हम बात करें ब्लैक कलर की। तो मैंने सेरेमिक देखी, ग्राफीन कोटिंग के बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर उसके बाद आया PPF, तो उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं से एडवर्टीजमेंट दिखा सर का इंस्टाग्राम पे। तो इनका जो वो था एम है, इट्स लाइक जो ये फोकस करते हैं कि जैसे कि हम फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगा लेते हैं जो कि हमारा फ़ोन प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये गाड़ी पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं गाइस, जो कि मुझे सुनने में थोड़ा सा अलग लगा, बट जब मैंने रिसर्च करी, जब मैंने वीडियोस देखी, इन्होंने मुझे वीडियोस सेंड करी अमरजीत सर ने, तो मेरे को पता लगा कि हाँ, देखने में ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ लग रही है। क्योंकि मैंने सर आपकी एक थार की वीडियोस देखी हैं, उसमें बहुत सारे स्क्रैचेज हैं जिसमें आपने कपड़े से साफ कर दिया, तो मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी कहीं भी, चाहे वो सेरामिक हो चाहे PPF हो, कहीं भी नहीं देखी थी। तो मैंने फिर सर से बात करी और फिर मुझे प्राइस भी कॉस्ट इफेक्टिव लगा कि काफ़ी अच्छा प्राइस, अगर इस तरीके की क्वालिटी है, इस तरीके की टेक्निक है, इस तरीके का प्रोडक्ट है, तो ये प्राइस आपके इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जस्टिफाइड। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है और ये कहाँ से सोर्स इन्होंने किया है, और ये PPF सेरामिक और ग्राफीन से किस तरीके से अलग है। एक तो बेसिकली इसका जो आइडिया था, ये एक्चुअली मेक इन इंडिया है, प्योरली, कोई इंपोर्ट नहीं है। अभी तक जितने भी आपने ये सेरेमिक या ग्रेफीन या जो भी हैं, आप सभी देखोगे कोई लिखा है US से इंपोर्ट है, यहाँ से इंपोर्टेड है, या कोरिया से, चाइना से, जापान से, बट ये प्योर मेड इन इंडिया है। और हम लोग प्राउडली इसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन कंपनियों से वो, जिन देशों में वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन देशों को हम लोग एक्सपोर्ट शुरू किया अभी, लाइक US एंड जापान हमने 2 शिपमेंट भेजी हैं। अभी कनाडा से हमारा प्रोसेस चल रहा है, जल्दी वहाँ भी हमारा डिटेलिंग डॉक्टर्स, हम लोग अपना ही फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। तो ये सारा जो है एक्चुअली एक आइडिया था, मैं खुद कार लवर हूँ जैसे आप है, तो मेरे, मैं अपनी कार पे, मैं भी पहले PPF कराई मैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग करता हूँ तो कार सारी छिल गई साइड से और ख़त्म हो गई। दोबारा मैंने सेरामिक कराई, तो सेरामिक भी वो 2-3 महीने में, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा किसी का, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते, तो वो सेरामिक भी सारी 2-3 महीने में बहुत डल हो गई गाड़ी। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड और मैं कहीं अपने ग्रुप में किसी में डाल रहा था कि ये मत करवाना, तो किसी ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को इसकी सप्लाई देता हूँ, इवन रोल्स रॉयस उससे वो बाय करती है, तो उसके साथ हमने इसको पार्टनर किया और वहाँ पे इसको प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया पहले हमने। और ये नया प्रोडक्ट था, ये वाला प्रोडक्ट वो कभी किसी को नहीं दिया, और इसको हमने इसकी हार्डनेस बढ़ाई और ज़्यादा। अभी जो सेरामिक की आप बात कर रहे थे, सेरामिक इज 0.3 to 0.5 माइक्रोन का लेयर रहती है, जो अच्छे ब्रांड्स की बात है। इसकी जो थिकनेस है, हार्डनेस है, वो सेरामिक से 10 times ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, दैट इज पॉइंट सेरामिक 0.3 to 0.5, ये 5 to 7 माइक्रोन, तो 10 to 12-15 गुना तक ज़्यादा है इसकी थिकनेस भी और हार्डनेस भी। और हमारी इंडियन के कंडीशन के हिसाब से एक्चुअली हार्डनेस चाहिए। और PPF जो है वो कहीं ना कहीं जब आप PPF लगाते हो, एक तो वो आई डोंट थिंक की वैल्यू फॉर मनी है, बहुत महंगे हैं, जो अच्छे ब्रांड में जाओगे तो लाख सवा लाख रुपये हैं। अगर आप लोअर कराते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा तो आप गाड़ी पर रैप करवा लो 15-20 हज़ार का, वो बेटर है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, जो उसमें आप उसकी शाइनिंग भी कम होती है एक्चुअली, इवन PPF की शाइनिंग तो सेरामिक से भी कम होती है, बट वो डल जल्दी हो जाता है।
शाइनिंग के बाद जो प्रोटेक्शन की हम बात करें तो जहाँ हम लोग रहते हैं वो बाहर कुछ देशों के लिए अच्छा है, सेरेमिक भी अच्छी है वहाँ पे, इतनी जल्दी नहीं होता उनकी कंडीशन, वेदर कंडीशन और सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम रोड कंडीशन की भी बात करें। हमारे यहाँ जो है वो मैं छोटे में शॉर्ट्स में बताता हूँ, लंबा नहीं हो जाए, तो ये जो है वो उससे 10 times हार्डर है। और ये क्या दोबारा रिपेयरेबल है, आपको PPF में सारा चेंज करना पड़ता पूरा पीस, इसमें आपको चेंज नहीं करना। अगर 6 inch का पीस कहीं पे लगा है, 3 inch का लगा है, तो उतने एरिया में हम लोग दोबारा कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस जैसे इन्होंने बताया, सर ने बताया मुझे, अमरजीत सर ने, तो यही रीज़न रहा है मेरा PPF का ना कराने का, क्योंकि PPF गाइस अगर हम कोई एक अच्छी ब्रांड की लें तो वो अराउंड 1 lakh से ज़्यादा कॉस्ट करती है, ठीक है गाइस। और इससे बढ़िया क्या है सर, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप रैप करा लो, 20-25 thousand में रैप हो जाता है, ठीक है गाइस। बट जिस तरीके से सर ने मुझे बताया और मैंने इनसे बात करी, जितना मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो ये PPF से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शाइनिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा है और ये ईजी टू मेनटेन है। ईजी टू, क्योंकि जैसा अभी सर ने बताया कि कहीं से भी बीच में से भी अगर ये उतरता है तो इसको पॉलिश करना ईजी है, ईजी। और अगर PPF गाइस फॉर एग्जांपल हम PPF पे जैसे उसको बोलते हैं कि वो सेल्फ हीलिंग है, बेसिकली तो उसका वो 12 मार्क्स ही बेस्ट सेल्फ हीलिंग होते हैं। सही बात। तो इसमें जो आप इतना पैसा खर्चने की बजाय इस पे जो 12 मार्क्स आएंगे वो आप मेरे ख्याल मुश्किल से साल में, जितनी गाड़ी, हर एक गाड़ी का अलग अलग है, 8-9 months, साल, 2 years, 1.5 years कुछ भी हो सकता है, उतने पीरियड में आपको एक सिर्फ ग्लेज पॉलिश करानी है जिसका 1200 to 1500 खर्चा आता है सर, तो वो आपको करा दी आपने तो वापस से आपकी गाड़ी वापस से ऐसी रिस्टोर हो जाएगी जैसे आज आप लेके जा रहे हैं। और तो सर गाइस आप देख ही सकते हो कि इसकी मेंटेनेंस कितनी इजी है। और मैं जैसे PPF का बता रहा था, अगर आपकी सामने से फॉर एग्जांपल बोनेट से ये उतर जाती है ज़रा सा भी पार्ट PPF का, छेद हो जाता है उसमें, अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कोई पत्थर लग के कोई छेद, रोड पे भी चिपिंग हो जाती है बहुत बार, या फिर झाड़ियों वाड़ियाँ अगर हम मान लो माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे स्पीति वगैरह जा रहे हैं, कोई झाड़ी से आपके स्क्रैच लग गया, तो आपको वो पूरा पैनल चेंज कराना पड़ेगा। सो गाइस उसी की कॉस्ट आ जाती है 30 to 40 thousand अकॉर्डिंग कितना बड़ा है वो। तो इससे बढ़िया ये पॉलिश है, ये सर का प्रोडक्ट है जो कि पेटेंटेड है स्पेशली, और ये 40,000 में पूरी गाड़ी हो रही है। वही चीज़ गाइस, प्राइस मैं चाह रहा था बाद में रिवील करूँ, बट सर ने रिवील कर दिया, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 40,000 में आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि 2 lakh रुपए की PPF से स्ट्रॉन्ग है, इजी टू मेंटेन है, और सेरेमिक तो इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सेरेमिक तो मैं खुद भी नहीं मानता, क्योंकि इससे बढ़िया हम 500-600 अमेजोन से वैक्स लगा लो, मंगवा लो और उसको पॉलिश कर लो अपनी गाड़ी को हर 6 months में, वो फार बेटर है। अगर आप लोग अपने सेरेमिक से कि फार बेटर है कि आप अपने हार्ड अर्निंग मनी को बचाना चाहते हो, बट अगर आपका ब्लैक कलर है या कोई भी कलर है और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी हमेशा चमकती रहे, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डायमंड हार्ड कोटिंग पे जाओ, और ये सिर्फ पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में सर के ही पास अवेलेबल है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि हम ये प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो गाइज मेरा तो फुल रिकमेंडेशन है, बाकी मैं 6 months बाद, 8 months बाद सर के पास दोबारा रिव्यू फिर विजिट करूंगा और मैं रिव्यू करके बताऊंगा कि मेरा क्या फीडबैक रहा, क्योंकि मैं यहाँ आता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनका एडवेंचर जोन भी है और मेरा प्रोडक्ट 4x4 है और मेरे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 30 minutes का ट्रैवल है, तो मैं यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, सर से मेरी बातचीत चलती रहेगी, तो उसके बारे में मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगा। और जो इनका एड्रेस है, आप स्टूडियो देख सकते हो, इनका डिटेलिंग स्टूडियो है पूरा, अभी सेटअप हुआ है 10-15 days पहले। जब भी कोई बंदा अपने पैसे खर्च करता है तो वो बहुत रिसर्च के बाद ही PPF पॉलिश हो, वैक्स हो, कुछ भी होगा, चाहे वो 500 rupees की चीज़ हो, चाहे वो 50,000 की चीज़ हो, बहुत रिसर्च करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, आफ्टर मार्केट कुछ भी चीज़ है। तो जब भी मैंने गाइस, मैं पिछले जब मैंने इसको इंट्रोडक्टरी पे 8 months पहले बुक करी थी, जब इनकी ओपनिंग हुई थी, बुकिंग्स ओपन हुई थी, तो जब से मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कितनी रिसर्च के बाद मैंने ये प्रोडक्ट को ऑप्ट किया, इसे चूज़ किया, बाकी की फीडबैक मिल जाएगी आपको। और मैं लास्ट चीज़ सर से पूछना चाहूँगा,
कि सर इसमें हम क्या प्रोसेस करते हैं, जैसे इसमें 3 स्टेजेस हैं, 4 हैं या 2 हैं, मतलब मैं स्टेजेस क्या हैं इसमें, किस तरीके पहले से? पहले तो अभी जैसे गाड़ी वॉश हुई है, पूरी वॉश होती है जी। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी पे एक, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो हम लोग ज़्यादा रबिंग यूज़ नहीं करेंगे, एक ही राउंड लगाएंगे हम लोग उसकी फिनिशिंग के लिए। फिर इस पर पूरी ग्लेज पॉलिश होगी, यानी गाड़ी में वो शाइनिंग लाई जाएगी जो कि आपको पूरा ग्लास इफेक्ट देगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर इसकी फिर से वॉशिंग होगी ग्लेज के बाद, फिर इसके ऊपर दोबारा से कोटिंग होगी। ये पूरा प्रोसेस जो है वो 5 से 6 घंटे का ये प्रोसेस रहता है। और फिर गाड़ी के अंदर से उसकी रिम क्लीनिंग पूरी बारीक से, लोगो क्लीनिंग वगैरह सारी होती है वो, बट आपकी गाड़ी में नीड नहीं है क्योंकि ब्रांड न्यू है। तो बाकी जो पुरानी गाड़ियाँ आती हैं उनके तो फिर स्क्रैच रिमूविंग प्रोसेस होता है पहले सारा, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक्चुअली जो मशीन्स भी हैं वो भी डिपेंड करता है। अब हमारी जो आम आप किसी के पास जाते हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये की मशीन है, हमारी जो मशीन है वो मशीन ही 48,000 की। तो हम लोग वो ध्यान देते हैं कि गाड़ी में फिनिशिंग जो है वो, क्योंकि आपकी गाड़ी जब फिनिश होगी तभी ऊपर उसको वो प्रोटेक्ट करेगा ढंग से, और पूरी ग्लास जैसी होगा तो रिमूव नहीं होगा इजीली हमारा जो केमिकल। गाइस आप देख सकते हो जब इनके पास इक्विपमेंट्स ही वर्ल्ड क्लास है, और ऐसे ही नहीं मैं आपको इनका लिंक शेयर करूंगा तो आप देख सकते हो उसमें BMW से लेके रेंज रोवर, जैगुआर, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं सर के पास, और वो सब लोग इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इतनी जब लोग ट्रस्ट करके सर के पास आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, और बाकी मैं आपको फीडबैक दे दूँगा। और लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सर के पास विजिट करने आया, मैं नहीं तो ये होम सर्विस भी प्रोवाइड करते, क्योंकि मेरा खुद का मन था, मेरे पास उधर इतना स्पेस नहीं था कि मैं उधर ये फैसिलिटीज़ को अवेल करा सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में सर से मिल भी लूँगा, क्योंकि इनसे मुलाकात करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बड़े बिजी रहते हैं। और इनका एक ग्रुप भी है गैंग्स ऑफ थार का, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा गाइस। ये भी सर फर्स्ट ग्रुप है इंडिया में जो कि इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है गाइज। वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। और गाइज आप होम सर्विस भी ले सकते हो अगर आप कहीं भी हो, शायद इंडिया में। सो गाइज इससे बेटर क्या चीज़ मिलेगी जो कि पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और एंड में मैं कुछ शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा गाड़ी के, जैसे कि सर ने बताया क्लीनिंग होगी उस पर, फिर पॉलिश वगैरह होगी, उसके बाद जैसी गाड़ी की लुक होगी वो मैं सारी चीज़ें आपको एंड में दिखा दूंगा गाइज। और प्राइस इज सो इफेक्टिव प्राइस गाइस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट सर फॉर योर डिटेलिंग प्रोसेस गाइस। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। गाइस आप, ये शीशा नहीं है जिसमें ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये शीशा है, बट ये एक्चुअली गाड़ी है जो कि हमारी प्रोडक्ट के बाद, डिटेलिंग के बाद, और जो कि बेस्ट प्रोडक्ट है डायमंड हार्ड कोटिंग का, उसके बाद ये नज़र आ रही है, पूरी ग्लॉस, पूरी शाइन गाइस। इसमें देखो मैं अपना चेहरा भी देख सकता हूँ गाइस, इट्स गिविंग अ मिरर लुक, शीशे जैसी चमक दे रही है ये गाइस। ये शोरूम में नहीं थी ऐसी, ये शोरूम में ऐसी नहीं थी, वो तो मैं आपको, आपने पहले देख ही ली होगी बिफोर जब मैंने डाला था कि ये कैसे आई थी, एकदम रफ रफ सी। और अब ये देखो गाइस कितनी चमक है, पंखा भी दिख रहा है ऊपर, लाइटें भी चमक रही हैं, देखो ये सारी लाइटें हैं ऊपर, ये कुछ रखा नहीं हुआ हमारे बोनेट पे, ये देखो गाइस दिस इज द शाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट है जो ये अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट और फाइनल स्टेज जी ओ टी की पॉलिश कह लो, प्रोडक्ट कह लो, जो भी कह लो गाइस इसको। हाँ जी, आज हमने किया ये डिटेलिंग स्कॉर्पियो एन की, साहिल जी की गाड़ी है, कल इन्होंने नई गाड़ी ली है। हाँ जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा बताइए। सर देखो मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा, फॉर मी इट्स शानदार, मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं व्लॉगिंग और मेरा चैनल है एस्टेब्लिश चैनल है, या फिर आपने मुझे प्रमोशनल वीडियो के लिए बुलाया, ये एक ऑथेंटिक बायर्स सेटिस्फेक्शन है जो कि मैंने आपसे एक सर्विस बाय करी, एक ऑथेंटिक फीडबैक है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपने मुझे मतलब पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ है नहीं गाइस,
जनरली आप लोगों को पता है, मैं प्रमोशन के लिए बंदे को लगता है पैसे ना दिए, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ डिस्काउंट भी नहीं दिया हमने, यही 40,000 आपके लिए भी रेट है, मेरे लिए भी रेट है, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से आएंगे तो बस तो सर जरूर आपको डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट के साथ वही जर्नल जो सबके लिए हम लोग देते हैं, जैसे कि ये पॉलिश जो मेरे को गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, यही चीज ही आपको और टॉवल भी देंगे, और जो भी डिस्काउंट एज पर एक्चुअल होगा सबको देते हैं वो देंगे। हाँ, और आपको एक सैंडविच खिलाएंगे जो कि बहुत सीरियसली गाइस जो इनके यहाँ पे कमेंट करके जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर देंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट गाइस। और आप मेरा नाम ले सकते हो सर के जब भी आप यहाँ हो, और मेरे लिए आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड थैंक यू सो मच। सर का भी चैनल है गैंग्स ऑफ थार के नाम से, इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उस लिंक को ओपन करो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच।